सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन। मैं हूं श्रुति। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी, और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया प्याज, खीरा, शिमला मिर्च और टमाटर, जिसे मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 टेबलस्पून मेयोनीज एंड 1.5 टेबलस्पून टोमेटो केचप। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसका मिक्सर रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और पिज़्ज़ा सीजनिंग। फिर यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस ब्रेड लिया है और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ मेयोनीज कुछ इस तरीके से, देख लीजिए। इस सैंडविच को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और अपने हस्बैंड को भी टिफ़िन में पैक करके दे सकते हैं। चारों स्लाइसेस पे मैंने मेयोनीज लगा लिया है। फिर उसके बाद हम इस पे रखेंगे खीरा। पहले 2 स्लाइसेस पे मैं रखूँगी, फिर 2 स्लाइसेस से हमें इसे कवर करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से रखना है। आप इसमें अपने फेवरेट वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। आपने कैफ़े वाली सैंडविच तो खाई होगी, इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही लगता है। ये बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। आप इसे अपने घर पे एक बार बना कर देखिए। मैंने इस पर डाल दिया है चिली फ्लेक्स, पिज़्ज़ा सीजनिंग, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। नमक इसमें हम बहुत ही हल्का डालेंगे, ये देखिए। फिर मैं इसे कवर कर दे रही हूँ दूसरे स्लाइस से कुछ इस तरीके से। अब हम इस पे बटर लगा देंगे और फिर हम इसे तवे पे सेकेंगे। बटर मैं पहले ही लगा दे रही हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है, तवे पे सेकते वक्त इसके अंदर की जितनी भी फीलिंग्स रहती है वो बाहर आ जाती है, ये देखिए। अब हम इसे तवा पर रखेंगे। तवा बहुत ही लो फ्लेम पे रखना है हमें। मैं दोनों सैंडविचेस को रख दे रही हूँ यहाँ पे और इसके दोनों साइड्स को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए, मेरा अनियन बाहर आ चुका था, बट इट्स ओके गाइस, ये होता है। एंड फिर इसके ऊपर वाले लेयर पे भी मैंने बटर लगा दिया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने दोनों के ऊपर बटर लगा दिया। फिर हम इसे पलट लेंगे। वाह, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा सैंडविच बनके तैयार हो चुका है। मैंने इसे बीच से कट कर लिया है और सच बताओ, इसमें से बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही थी जब मैंने इसे कट किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्व कर दिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।